हेलो फ्रेंड्स, वास्तु में मैं रीता जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वास्तु फॉर वर्क प्लेसेस के सीरीज में ग्रोसरी स्टोर यानी कि किराने की दुकान के वास्तु के बारे में जानकारी दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में जरूर बताइए। फ्रेंड्स, शुभ वास्तु चैनल मेरा एक प्रयास है वास्तु शास्त्र के ज्ञान को सरल और आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने का। अगर वास्तु शास्त्र इस सब्जेक्ट में आप नए हो और इस सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। फ्रेंड्स, आजकल के कड़े कॉम्पिटिशन में किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत, अच्छी सर्विस, अच्छे प्रोडक्ट्स और टीम वर्क की जरूरत होती है। इसके साथ साथ अगर वर्क प्लेस वास्तु के अनुसार होता है तो इससे आपको और मदद मिलती है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक वर्क प्लेस के वास्तु के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है ग्रोसरी स्टोर यानी कि किराने की दुकान। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार किराने की दुकान के लिए पॉजिटिव एंट्रेंसेस कौन से है और किराने की दुकान के किस दिशा में क्या होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पॉजिटिव एंट्रेंसेस के बारे में जानकर। फ्रेंड्स, वास्तु शास्त्र में कुल 5 दिशाओं के एंट्रेंसेस को सारी बिजनेसेस के लिए अच्छा माना गया है। वह है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। किराने की दुकान के लिए इन्हीं 5 दिशाओं के एंट्रेंसेस को पॉजिटिव माना जाता है। इन 5 दिशाओं को डिटेल में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक ऊपर दिए हुए आई बटन में है। अब हमने जान लिया कि किराने की दुकान के लिए पॉजिटिव एंट्रेंसेस कौन से हैं। अब हम ये जानते हैं कि किराने की दुकान के किस दिशा में क्या होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से। फ्रेंड्स, जैसे मैंने अपने कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को हमेशा खुला हुआ और हल्का यानी की लाइट वेट होना चाहिए। इसीलिए इन दिशाओं में आपको बहुत ही लाइट वेट सामान रखना है, जैसे कि बिस्किट्स, चॉकलेट, सॉस, शैम्पू, पापड़, ब्रश इत्यादि सारे लाइट वेट सामान। फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व पाया जाता है, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में आपको सारे पानी से रिलेटेड आइटम्स रखना है, जैसे कि मिनरल वाटर की बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस इत्यादि। पूजा घर को स्टोर में नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट की दिशा में होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि साउथ ईस्ट यानी कि अग्निकोण में क्या होना चाहिए। साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व पाया जाता है, इसीलिए साउथ ईस्ट की दिशा में सारे फायर, इलेक्ट्रिसिटी और किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होने चाहिए, जैसे कि हेयर ऑयल, एडिबल ऑयल, घी, बटर, चीज, ड्राई फ्रूट, मैच बॉक्स, कैंडल्स, मीडियम वेट के फूड ग्रेन्स के पैकेट्स, डिटर्जेंट, सोप, कॉस्मेटिक्स, हार्डवेयर का सामान इत्यादि। डीप फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर को भी साउथ ईस्ट की दिशा में होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम साउथ और साउथ वेस्ट की दिशा में क्या होना चाहिए ये जान लेते हैं। फ्रेंड्स, साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व पाया जाता है जो हर चीज को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, इसीलिए ओनर की सिटिंग अरेंजमेंट और कैश बॉक्स को साउथ वेस्ट की दिशा में होना चाहिए। ओनर को काम करते समय नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट की तरफ फेस करके काम करना है। स्टोर में सारे हेवी वेट के प्रोडक्ट्स आपको साउथ और साउथ वेस्ट की दिशा में रखना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टोर के वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की दिशा में क्या होना चाहिए ये जान लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट में एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व पाया जाता है, इसीलिए सारे एयर बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि परफ्यूम, स्प्रे, डियो इत्यादि को आपको नॉर्थ वेस्ट की दिशा में रखना है। सारे पेरिशेबल यानी कि जल्दी से खराब होने वाले सामान को भी आपको नॉर्थ वेस्ट की दिशा में रखना चाहिए, जैसे कि ब्रेड, दूध, अंडे, सब्जियां, मीट, फिश, केक्स इत्यादि। स्टेशनरी और प्लास्टिक के आर्टिकल्स और मीडियम वेट के सामान को आपको वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की दिशा में रखना चाहिए। फ्रेंड्स, ब्रह्मस्थान को किसी भी प्रॉपर्टी में हमेशा हल्का और खुला हुआ होना चाहिए, मगर अगर किसी कारण से आपको स्टोर में ब्रह्मस्थान को खुला हुआ रखना पॉसिबल नहीं है तब आप एटलीस्ट ब्रह्मा पॉइंट को खुला हुआ रखें। ब्रह्मस्थान में आप बहुत ही लाइट वेट सामान रख सकते हैं। ब्रह्मस्थान और ब्रह्म पॉइंट क्या है इन्हें डिटेल में मैंने अपने ब्रह्मस्थान के वीडियो में एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक ऊपर दिए हुए आई बटन में है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए।
प्लस ये एक बेसिक लेआउट है ग्रोसरी स्टोर यानी कि किराने की दुकान के लिए। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई और क्वेश्चंस या क्वेरीज है या फिर आप कोई वीडियो सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए शुभ वास्तु एंड हैप्पी लिविंग।